हेलो फ्रेंड्स, आज के नए व्लॉग में आपको दिखाएंगे राजभवन। यहाँ पर चेक करो, ये फोटो तो सब लोग खिंचवा लेते हैं। 5 साल बाद भोपाल में फिर से 3 दिनों के लिए खोला गया राजभवन। एंट्री गेट उस साइड से हैगा, अंदर जाके अंदर का ब्लॉग दिखाएंगे आपको। 25, 26, 27 के लिए खोला गया हुआ है, पूरा ब्लॉग अंदर है। घूमने के लिए नॉर्मल आदमी के लिए सिर्फ 3 दिन के लिए, भोपाल वासियों के लिए। तो आओ अपनी फैमिली के साथ और एंजॉय करो राजभवन। भोपाल राजभवन एंट्री गेट। भाई 3 दिन के लिए राजभवन फिर से खोला गया है 6 सालों के बाद, और इसके अंदर काफ़ी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लगी हुई हैं जो हर साल लगती है। हर साल नहीं, सॉरी, 6 साल के बाद देखने को मिला। और हम लोग घूमने आ गए 3 दिन के लिए, आम लोगों के लिए खुला हुआ है। रानी का किला। ये याद दिलाने थी कि हमारी आजादी की कीमत कितनी बड़ी है और किन लोगों ने चुकाई। यहाँ से बाहर भाई ये देखो, इसके अंदर पूरे आपको ए टू जेड जितने भी गुलाब होते हैं दुनिया में सारे मिलेंगे। ये गुलाबों का प्रदर्शन हुआ है यहाँ पे। इसके अंदर जितने भी गुलाब आपको रहते हैं सारे मिलेंगे, वाइट, ब्लैक, जितने भी गुलाब होते हैं। वहाँ पे सेल्फी पॉइंट है और यहाँ पे ये, और ये तो अभी छोटा सा रास्ता, अंदर बहुत बड़ा है राजभवन जो लोकल आदमियों के लिए नहीं खुलता है। 5 साल बाद फिर से खोला गया है सिर्फ 3 दिनों के लिए भोपाल शहर के अंदर। भाई यहाँ पे सारी चीज़ें प्रस्तुत करी गई हैं फिर से, और जो अभी अंदर का नज़ारा है वो तो अभी देखना बाकी है। वहाँ पे जो सामने दिख रहा है आपको, कल 26 जनवरी की तैयारी चल रही है। कौन से फूल है यार, मिरन भी अंदर पर्सनल खुद की। ये वो चीता भी है यहाँ पे। ये याद दिलाने थी कि हमारी आजादी की कीमत कितनी बड़ी है और किन लोगों ने चुकाई। यहाँ से बाहर भाई ये देखो, इसके अंदर पूरे आपको ए टू जेड जितने भी गुलाब होते हैं दुनिया में सारे मिलेंगे। ये गुलाबों का प्रदर्शन हुआ है यहाँ पे। इसके अंदर जितने भी गुलाब आपको रहते हैं सारे मिलेंगे, वाइट, ब्लैक, जितने भी गुलाब होते हैं। वहाँ पे सेल्फी पॉइंट है और यहाँ पे ये, और ये तो अभी छोटा सा रास्ता, अंदर बहुत बड़ा है राजभवन जो लोकल आदमियों के लिए नहीं खुलता है। 5 साल बाद फिर से खोला गया है सिर्फ 3 दिनों के लिए भोपाल शहर के अंदर। भाई यहाँ पे सारी चीज़ें प्रस्तुत करी गई हैं फिर से, और जो अभी अंदर का नज़ारा है वो तो अभी देखना बाकी है। वहाँ पे जो सामने दिख रहा है आपको, कल 26 जनवरी की तैयारी चल रही है। कौन से फूल है यार, मिरन भी अंदर पर्सनल खुद की। ये वो चीता भी है यहाँ पे। महल से कम नहीं है हमारा राजभवन भारत। यहाँ पे हर चीज की तरह हाँ पूरा उस तरफ निकलेंगे अपन वाले घर से होते हुए। भाई राजपाल जी यहाँ से निकलते हुए अब हम जा रहे हैं सीधे जवाहर अखंड में, और यहाँ का व्यू तो भाई बहुत ही प्यारा है। देखो हमारे लिए कालीन बिछाई गई है, केस से चल गया वो जवाहर शताब्दी कार्मेंट। ये हमारे दोनों एक साथ में चलते हुए अपने
काम को बाखूबी निभाते हुए। और यहाँ पे जो अंदर का नज़ारा भाई वो तो अल्टीमेट ही है। मैं पहले 5 साल पहले जब आया था जब देखा है मैंने, और ये उनके ऑफिस हैं। आवाज़ गूंज रही है भाई, अंदर वीडियो बनाने का मना कर रहे थे। अटल जी का कक्षा थी, बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पे। निर्माण ये देखो भाई, यहाँ से हमें बाहर निकाल दिए उनने। यहाँ पे जो चीज़ थी भाई अलग ही थी, मतलब नज़ारे अलग है भाई कुछ। भाई इस छोटे से जगह पे हर चीज़ आपको देखने को मिलेगी। देखो बारहसिंगा, हिरन, शेर, उसके बच्चे, वो घड़ी, एक हिरन, बंदर, चीता, और ये पेड़ पे देखो नकली आर्टिफिशियल पेड़ में चिड़िया भी बैठी हुई है। वहाँ से एक्सिट गेट है। सेल्फी पॉइंट मर्यादा पुरुषोत्तम का, जिनका नाम हर दिल में बसा है, चलते हैं उनकी पवित्र अयोध्या। गाइस इसके बाद हम लोग गए मेट्रो स्टेशन, जहाँ पर मेट्रो की डेमो खड़ी हुई थी सामला हिल्स पर, और वहाँ पे जाके काफ़ी एंजॉय करा। और आज के ब्लॉग में इतना ही। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड वीडियो शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और जाके एंजॉय करो राजभवन।